दोस्तों अगर आप भी इन एप्लीकेशनों में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 12% क्लब जो कि भारत पे का प्लेटफॉर्म है, उसी प्रकार से क्रेड ने भी अपना एक लॉन्च कर दिया है क्रेड मिंट के नाम से, मोबी क्विक एक्स्ट्रा, या फिर आपका यूनिपी में भी एक सिस्टम चलता है, वहां पर भी आपको हाई रिटर्न मिलता है। लेकिन आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिरकार बैंक हमारे लिए हाईएस्ट रिटर्न देती है जो कि एफडी पर देती है या फिर सेविंग अकाउंट पर देती है, वो ज्यादा ज्यादा 6% दे देती है और अधिकतम होता है ना 7% में जाता है आप अगर एफडी करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो। बट ये जो एप्लीकेशन होती है ये आपसे ऐसे वादे करती है कि हमारे पास आप आइए और 12% का रिटर्न देंगे हम आपको, देती भी है। और यहां पर आपको बैंक के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि अगर बैंक में आप एफडी करोगे ना तो आप उस समय से पहले एफडी क्लोज नहीं करा सकते हो, और क्लोज अगर कराओगे तो वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, आपको इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है वो सारे, और कोई भी एफडी तो आप क्लोज भी नहीं कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को ये सुविधा देते हैं कि आप एनी टाइम क्लोज करिए, ₹100 से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, आप किसी भी समय उसको विड्रॉल कर लीजिए और हम आपको पर डे इंटरेस्ट देंगे। तो भाई इतने सारे फीचर ये लोग देते हैं, लेकिन आप लोग एक बात सोचते होंगे कि आखिरकार क्या गोलमाल करते हैं ये लोग, कैसा बिजनेस है इसका कि जो हमारे लिए बैंक से 2 गुना रिटर्न दे रहे हैं। आखिरकार ये लोग हमारे पैसे का करते क्या है जो हमारे लिए बैंक से 2 गुना ब्याज देते हैं। आज हम बात करेंगे इसी एप्लीकेशन के टॉपिक पर, और अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो इन बातों को बड़े गौर समझ लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी एप्लीकेशनों के डिटेल में कि आखिरकार इनका बिजनेस आइडिया क्या है और कैसे काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर। तो आपने सुना ही होगा कि इन एप्लीकेशनों में जो भी इन्वेस्टमेंट के जो लेंडर हैं ये काम करते हैं P2P बेस पर। अब ये P2P क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पेयर टू पेयर। अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, जैसे कि आपकी एक कंपनी है और आपने किसी व्यक्ति से बोला कि आप मेरे पास पैसा लाइए अपना और मैं आपको उस पैसे पर 12% का ब्याज दूंगा, तो उस व्यक्ति ने आपको पैसा दे दिया और उसी पैसे को आप एक दूसरे व्यक्ति को दे दो जिसके लिए एक इमरजेंसी जरूरत है और आप उससे 18% 26% 30% यानी कि 36% का इंटरेस्ट ले लो, तो आपका पैसा भी नहीं लगा और आपने दूसरे का पैसा उठा करके बस एक दूसरे को दे दिया, और जब वो व्यक्ति ब्याज सहित आपका पैसा वापस करेगा और आप उसमें से एक मोटी रकम बचा के और उसको 12% लौटा दोगे। तो ये उदाहरण तो एक नॉर्मल था, लेकिन आखिरकार ये समझिए कि ये कंपनियां कहां पर इन्वेस्ट करती हैं आपके पैसे को और इनका बिजनेस क्या है। तो जो भी ये लेंडर हैं, जितने भी इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म है, जब भी आप इनमें कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कंपनी आपके पैसे को किसी NBFC कंपनी को प्रोवाइड करा देती है। अब इनमें से अधिकतर तो खुद के ही इनके NBFC प्लेटफॉर्म है, चाहे आप क्रेड एप्लीकेशन को ले लें या मूवी कुक को देखें या फिर भारत पे को देखें, तो ये खुद ही लोन प्रोवाइड कराते हैं, इनका खुद का NBFC प्लेटफॉर्म है। और जिनके नहीं है तो वो एक दूसरी NBFC कंपनियों को आपके पैसे को दे देते हैं। उसके बाद आप समझते ही हो कि NBFC कंपनी जो भी होती है, जो आपको घर बैठे इजली आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लोन दे देती है, ये वो कंपनी होती है। और अगर आपने कभी NBFC कंपनी से लोन लिया होगा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लोग कितना ब्याज लेते हैं। तो वो यहाँ पर 18% से लेकर के और आपसे 36% तक का ब्याज लेते हैं, और जब वो व्यक्ति पैसे को वापस करता है, लोन का रिपेमेंट करता है, तो ये कंपनियां आपके पैसे को जब आप विड्रॉल करते हो तो उसमें से कुछ पैसा बचा करके और आपके पैसे 12% के साथ वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका बिजनेस काम करता है। अब यहां पर आप लोगों का एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति लोन खा गया, हमने पैसा दिया इन एप्लीकेशनों को, इनने NBFC कंपनी को दे दिया, और अगर NBFC कंपनी का पैसा कोई बंदा खा गया तो क्या होगा हमारे पैसे का। तो गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जितने भी इनके प्लेटफॉर्म है, ये सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम करा चलाते हैं, ये आपके पैसे को किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर ₹100 इन्वेस्ट किया तो ये ₹100 उठा के किसी एक बंदे को नहीं देते हैं, ये वो ₹100 को एक एक रुपए करके 100 लोगों में देते हैं। अगर 100 लोगों ने लोन लिया तो आपका वो एक एक रुपए ये 100 लोगों को दे देते हैं।
उसमें क्या होता है कि अगर इन केस एक व्यक्ति अगर दो व्यक्ति डिफॉल्ट भी करते हैं तो इनके पास 98 या 99 रुपए वापस आ जाता है और 98 लोगों से ये 18% से लेकर के 36% का ब्याज ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉफिट ही होता है। तो इस प्रकार से यहां पर फ्रॉड होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। बात करते हैं कि क्या इन एप्लीकेशनों को जो एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं। तो इंडिया में जितने भी ये फेमस जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी लेंडर हैं, एप्लीकेशन हैं, वो सारे के सारे आरबीआई से अप्रूवल है। जैसे कि आप भारत पे 12% क्लब या फिर क्रेडमेंट या मूवी कुक एक्स्ट्रा या फिर आपका यूनिपे कार्ड के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट का चलता है फीचर, तो वो तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे लिए यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, कितना सुरक्षित है हमारा पैसा। लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है तो भी आप गलत सोच रहे हैं। बैंक भी आपके पैसे की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वहां पर भी कुछ स्टेप्सन के साथ। अगर आपका पैसा बैंक में है और अगर बैंक में कुछ भी होता है, इनकेस बैंक दिवालिया होता है, बैंक के शेयर गिर जाते हैं, बैंक डूब जाता है और आपका पैसा अगर चला जाता है, तो आरबीआई ये बोलता है कि हम आपके उस पैसे पर केवल 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस देंगे। बैंक भी आपको 5 लाख रुपए तक का ही यहां पर इंश्योरेंस देता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये तो भाई प्राइवेट एप्लीकेशन है। अब यहां पर पैसा लगाना नहीं लगाना ये आपकी चॉइस है। आपको अगर लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और मैं इन एप्लीकेशन में लगा के 12% 9% तक का ब्याज कमा लूं, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है यहां पर और मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, तो आप ना करें। बाकी मैंने आपको बताई दिया कि इनका बिजनेस किस प्रकार से काम करता है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसके लिए आप लोगों को इनके सारी की सारी कंपनियों के डिटेल समझना चाहिए कि इनका कितना पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इनकी वेबसाइट पर जाके आपको पता करना होगा कि कौन सी कंपनी अभी यहां पर किन किन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है और इन कंपनियों में से कौन सी कंपनी हमारा पैसा किन कंपनियों को दे रही है, ये आपको उसी एप्लीकेशन की वेबसाइट पर प्रोवाइड हो जाएगी जानकारी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा पैसा यहाँ पर सुरक्षित है, तो आप इन्वेस्ट करें वरना ना करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।